महाराष्ट्र के अमरावती जिले से एक बहुत ही अजीब मामला सामने आया है, जहां पुलिस अपने ही माता पिता के घर से कीमती चीजें चोरी करने के आरोप में एक महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसकी जानकारी शुक्रवार को पुलिस द्वारा दी गई। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि माता पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने 21 साल की महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 380 एवं अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही ये भी जानकारी दी है कि ये चोरी 28 अगस्त के दिन धरनी में कथित रूप से महिला के घर में हुई थी। शिकायतकर्ताओं के अनुसार उनकी बेटी के दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध है और पूरा परिवार उनके इन संबंधों के खिलाफ है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। वहीं जब 28 अगस्त को माता पिता घर से बाहर गए हुए थे तो आरोपी व्यक्ति ने घर में प्रवेश किया और महिला के साथ मिलकर कुछ नकदी और आभूषणों को चोरी कर ली। धरनी के उपमंडल पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी अचलपुर में थे और दोनों को अमरावती लाया गया है। हालांकि काउंसलिंग के दौरान महिला बीमार पड़ गई थी और उसे अमरावती के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी व्यक्ति ने दावा किया कि दोनों शादीशुदा हैं और उसने हमारे सामने विवाह प्रमाण पत्र भी पेश किया है, जिसका सत्यापन करवाया जा रहा है। इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे ने अस्पताल में महिला से मुलाकात की और आरोप लगाया कि ये लव जिहाद का मामला है। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना, और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले।